इनके टॉपिक बोन ट्यूमर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बोन ट्यूमर के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है बोन ट्यूमर। अ बोन ट्यूमर इज अ नियोप्लास्टिक ग्रोथ और टिश्यू इन बोन। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ फाउंड इन द बोन कैन बी आइदर बेनाइन और मैलिग्नेंट। ठीक है, बोन ट्यूमर क्या है, बोन ट्यूमर कैसे डेवलप होता है, इसके क्या कारण है। ठीक है, क्या होता है अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल सेल्स और टिश्यू का ग्रोथ होना किसमें, हमारे बॉडी में। ठीक है, ये क्या कहलाता है बोन ट्यूमर। ठीक है, और जो ये बोन ट्यूमर है, ठीक है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है और बेनाइन भी हो सकता है। तो बेनाइन मतलब नॉन कैंसरस, ठीक है, और मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस। तो मोस्ट बोन ट्यूमर्स क्या होते हैं, बेनाइन होते हैं। ठीक है, और ये बेनाइन होने के कारण क्या होता है, ये स्प्रेड नहीं होता अदर पार्ट ऑफ बॉडी में। जो बेनाइन बोन ट्यूमर है वो स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा बोन ट्यूमर। समझ आया, बोन ट्यूमर में क्या होता है, जो एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड, ठीक है, सेल्स और टिश्यू का ग्रोथ होना, ये क्या कहलाएगा बोन ट्यूमर। ठीक है, कहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, बोन में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा बोन ट्यूमर। अब हम देखते हैं जो बोन ट्यूमर्स के, ठीक है, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, फर्स्ट क्या होता है बेनाइन बोन ट्यूमर। ठीक है, एंड सेकेंड क्या होता है मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर, एंड थर्ड क्या होता है मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर। ठीक है, ठीक है,
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम फर्स्ट स्टेप करेंगे हिस्ट्री टेकिंग। Thank you.